अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो 2S बैटरी बनाने वाले हैं फिर से, लेकिन 3S सर्किट के थ्रू। इससे पहले दो वीडियोज में बना चुका हूँ 2S बैटरी के ऊपर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको पता होगा कि ये कैसे बनता है, उनके लिए आसानी होगी ये 3S सर्किट के थ्रू जो मैं आज बनाने वाला हूँ बैटरी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें से हमारे पास दो लिथियम सेल ली, हमने यहाँ पर कुछ वायर्स लिए और एक हमारे पास BMS है। दोस्तों, ये जो BMS है ये 3S BMS है और ये 10 एम्पेयर का BMS है, जिसके थ्रू आज हम बैटरी बनाने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा एम्पेयर के BMS भी आते हैं, 2S 20 एम्पेयर का भी आता है, उससे ज़्यादा के भी। वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आप जितनी बड़ी चीज़ बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से आप BMS और अपने सेल्स को इस्तेमाल कर सकते। तो अब हम इसका जो प्रोसेस है कि किस तरीके से वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने दो सेल लेंगे और इन दोनों सेलों को जो है हम लोग सीरीज में रख लेंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और इसको फिर हम जो है वो ग्लू गन के थ्रू जो है पहले चिपका देते हैं। अपने सेल को जो है वो ग्लू गन के थ्रू चिपका दिया है। अब हम इसकी जो है वो स्पॉट वेल्डिंग कर देते हैं सेलों के। दोस्तों, हम लोगों ने जो है वो स्पॉट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम इसके ऊपर जो है वो सोल्डिंग करेंगे सेलों के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ का अपने वायर सोल्ड करने। तो एक वायर हम यहाँ माइनस में लगाएंगे, एक हम लगाएंगे प्लस में, और जो एक और वायर हम तीसरा वायर लेंगे वो हम प्लस या माइनस में किसी एक में लगा देंगे, सोल्ड कर देंगे। और उसको वायर सोल्डिंग करने से पहले हम जो है थोड़ा सा इनको सेलों को घिस लेंगे, ताकि हमारी जो सोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाए और प्रॉपर सोल्डिंग हो जाए, ताकि सोल्ड हमारा निकले। अब दोस्तों, हम जो है वो सोल्डिंग की तरफ चलते हैं। अब मैं जो है इसमें से तीन तार ले लेता हूँ एक साइज के, हम जो है वो छील लेते हैं तीनों तारों को। अब हमने जो है अपने तीनों तार जो है वो इस सेल के ऊपर सोल्ड कर दिए। अब हम जो है अपने BMS को भी इस सेल के ऊपर जो है ग्लू गन के थ्रू चिपका देते हैं, और फिर आपको जो है वो वायरिंग बताते हैं कि BMS के ऊपर किस तरीके से हम वायरिंग करेंगे। अब मैं आपको जो इसकी वायरिंग बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये एक तार है जो हमारे माइनस का तार है। ये तार जो है हम BMS के जो B- लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो इसको मैं सोल्ड कर दूँ, और इसके साथ में एक तार और लूँगा, ये एक्स्ट्रा तार मैं ले रहा हूँ, इसके साथ में इसको जोड़ूँगा, ज्वाइन करके इस तार को B- के अंदर, जो BMS का जो B- है उसके अंदर हम इसको जो एक साथ जो है वो दोनों को सोल्ड कर देंगे। अब हमने इसको जो है वो ज्वाइन कर दिया यहाँ से। अब हम इसको जो है BMS के B- के अंदर जो है वो सोल्ड कर लेते हैं। को जो है वो B+ पे जो है वो B- पे जो है वो सोल्ड करती है। अब हमारे पास जो इसका दूसरा हिस्सा बचा है, इसको हम जो है वो BMS के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है B1, इसके ऊपर हम जो है इसको सोल्ड कर देंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है शॉर्ट करना। अब हमारा एक सेल जो है हम इसके ऊपर सोल्ड करेंगे। अभी हमने जो है वो सोल्ड कर दिया है। जो हमारे पास जो वो एक सेल का जो 3.7 जो तार है उसको अब हम जो है वो BMS के जो है B2 पे सोल्ड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, ये वाला तार भी हमारा जो है वो सोल्ड हो गया। अब हमारे पास दोस्तों एक तार बचा है। इस तार को हम जो है वो BMS के ऊपर, यहाँ B+ लिखा हुआ है, इस B+ के ऊपर जो है वो सोल्ड कर दें, जो कि हमारे दोनों सेलों का जो है वो प्लस बनता है 8.4। इस तार को हम जो है वो BMS के B+ में सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, अब जैसा कि हमारी बैटरी जो है वो मुकम्मल हो गई है, अब हम जो है BMS के जो है हम आउटपुट चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारा आउटपुट के पॉइंट है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मीटर के ऊपर ये 7.7 दे रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको जो है वो चार्ज कर लेंगे। आप इसको चार्ज करेंगे तो आपको ये 8.4 देगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।